माय लवली फैमिली, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर, यूट्यूबर साधना सोनी हैप्पी विद सिंपल लाइफ। सो गाइज, अभी मॉर्निंग टाइम है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो अभी मैंने अपना बेड मिलाया है अच्छे से, और बेडशीट आज मैंने चेंज की है, तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ शेयर कर लेते हैं। और ये बेडशीट मुझे बहुत पसंद है, जो कि 1 साल पुरानी है, और पूरा घर पैक रहता है, ना जाने ये धूल कहाँ से आती है, पता नहीं, आई डोंट नो। और हर रोज़ डेली मुझे डस्ट साफ़ करनी पड़ती है बेड के ऊपर से, अपनी वार्डरोब से, हर जगह पे साफ़ करना पड़ता है। पैक है फिर भी पूरा आ जाता है। और ये फ़ोटो मुझे बहुत प्यारी है, और मेरी शादी की फ़ोटो है, और मेरे पूजनीय मम्मी पापा हैं इसमें, है ना। तो अभी बच्चों ने नहा लिया है, पति देव जी ने नहा लिया है, आगे मैं आप लोग से मिलती हूँ, ओके। और बस मुझे नहाना रह गया अभी। हेलो गाइस, सो अभी सुबह का मॉर्निंग का टाइम है, सो इग्नोर करना थोड़ा, ओके। लिपस्टिक वगैरह कुछ है नहीं तो इग्नोर करना। बच्चे यहाँ पर बैठ के हमारे देख रहे हैं टीवी, तो देखिए नंदिता केशव, ये हेलो बोलो, हेलो। और हम हैं किचन में, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय जाता है किचन में, तो हम हैं किचन में, और हमारे पति देव जी कह रहे हैं हम भी हैं किचन में अभी। टेन टेन, और इन्होंने नहा लिया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो इन्होंने नहा लिया है, ओके। तो हमारा कोइंसिडेंस है कि टी शर्ट हमारी दोनों की ब्लैक ब्लैक है, इन्होंने अभी नहाकर पहनी है और मुझे अभी नहाना है ना। बाकी झाड़ू पोछा आपने सब देख लिया है कि हो ही चुका है, बेडशीट वगैरह सब हो गई है चेंज। ये देखिए हम दोनों की ब्लैक ब्लैक, क्या बात है, आज ब्लैक डे है क्या? ब्लैक ब्लैक, आई एम किंग, शी इज क्वीन, क्वीन, यस, माय किंग। तो अभी क्या करना है फिर? अभी नींबू पानी बना दे तुम्हारे लिए, तुमको नींबू पानी पिलाते हैं। देखा, मुझे नींबू पानी पिलाते हैं। तो ये जा रहे हैं हमारे लिए नींबू पानी बनाने, है ना, और उसके बाद आप जाएंगे पूजा करने और हम जाएंगे नहाने, ठीक है। तो यहाँ पर अभी पति देव जी बनाने जा रहे हैं नींबू पानी हमारे लिए, और उसके बाद ये जाएंगे पूजा करने और हम जाएंगे नहाने, और हम नहा कर आएंगे तब पूजा करेंगे, ओके। तुझमे रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। स्पीचलेस, स्पीचलेस, लड़का शर्मा गया, लड़का शर्मा गया। तो चलो अभी पी लेते हैं नींबू पानी फटाफट से। वाओ, बुलबुल बुलबुल, वाओ, अरे यार किचन की खिड़की के पास इतनी बड़ी बुलबुल आई, कुछ कहना चाहेंगे? हेलो, हेलो, कुछ कहने के यार, मैडम बहुत मेहनत करती हैं यार, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज यार लाइक करो। मैं मेहनत करती हूँ, ये मेरी, ये मुझे देखते हैं, आप लोग नहीं देख पाते हो, बट ये मुझे देखते हैं, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना भाई। मेरे को जो दिखता है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, बहुत मेहनत करती है ये, इवन ब्लॉग बनाना, एक एक चीज दिखाना बहुत अच्छे तरीके से, गट्स चाहिए, इसको एडिट करना बहुत मेहनत, बहुत मेहनत है भाई, सीरियसली सीरियसली। मैडम रात को दो दो तीन तीन बजे तक जग करके पूरा एडिटिंग का काम करती हैं। चलो चैनल को सब्सक्राइब करो, और और लाइक छापो, है ना, और शेयर कर दो, छाप दो यार, लाइक छाप दो, लाइक छाप दो, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक छाप दो और शेयर कर दो, है ना, और कमेंट्स करना अपने प्यारे प्यारे, ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। इवन आपके कमेंट्स, जो प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं वो पढ़ करके तो और भी अच्छा लगता है, सो प्लीज कीप कंटिन्यू, चलो लाइक छाप देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं थोड़ी देर से नींबू पानी के साथ, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं टीवी।
ओके गाइस, सो अभी यहाँ पर पतिदेव जी ले रहे हैं नॉर्मल वाटर और मैं ले रही हूँ लेमन वाटर। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए, क्योंकि इनको अभी करनी है पूजा, तो पूजा करने से पहले ये कोई भी चीज़ मतलब नहीं लेते हैं जब तक पूजा नहीं कर लेते। और मेरा क्या है कि ये पहले पूजा कर लेते, ठीक है, दिया बत्ती हो जाती है, उसके बाद मैं जाके फिर अपना धूप बत्ती जला देती हूँ, है ना, तो मैं ले लेती हूँ पानी वगैरह। ओके, तो यहाँ पर अभी हम लोग कुछ बातें कर रहे थे, कुछ बहुत ही हंसी मजाक की बातें हो रही थी, तो पतिदेव जी कुछ जोक कर रहे थे, सो उसी पे हम लोग बहुत हंस रहे थे, बहुत ही ज़्यादा हंस रहे थे, ना जाने पता नहीं उन्होंने क्या बात बोली थी, हंस हंस के तो हमारा पेट ही फूलने लगा था, ये देखो, तो पता नहीं क्या बात बोली थी उन्होंने, मुझे अभी याद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। मैं यही कह रही थी, देखो इनका पानी देखो हमारा पानी देखो, तो चेयर्स कर लेते हैं फिर मैंने बोला, तो यहाँ पे चेयर्स किया। एक्चुअली होता है क्या है ना, जब आप सुबह का टाइम एक ऐसा होता है ना, अगर उस टाइम पे आपका घर का माहौल हंसी मजाक का रहता है, खुशियों वाला रहता है ना, तो बहुत ही चारों तरफ से क्या होता है ना, पॉजिटिविटी आती है, ठीक है ना, और जब पॉजिटिविटी आएगी तो घर का माहौल ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो अभी यहाँ पर फटाफट नहा कर आती हूँ, ब्रेकफास्ट करते हैं फिर बनाते हैं लंच। ओके गाइस, सो अभी यहाँ पर क्या हुआ ना कि मैं जब आप लोगों ने इससे पहले देखा था तो हम और पतिदेव जी पानी ले रहे थे ना, पी रहे थे, सो उसके बाद फिर मैं चली गई नहाने, और उसके बाद नहा कर आने के बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया और पतिदेव जी को ब्रेकफास्ट कराया, हम लोग सब लोगों ने साथ में किया, उसके बाद मैंने चला दिया फटाफट लंच। एक्चुअली क्या है कि अभी पतिदेव जी को 12:30 बजे कहीं जाना है, बहुत ज़रूरी काम से उनको जाना है, तो वो अभी जाएंगे वापस आएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने बनाया है उनकी पसंद की मसाले वाली दाल, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है मसाले वाली दाल, एकदम मस्त तड़का लगा के देसी घी वगैरह करके, नहीं होता नहीं है वैसा, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए मेरी मसाले वाली दाल रेडी। एक्चुअली वो पता है क्या कह रहे थे कि ब्रेकफास्ट ही रहने दो, अभी मैं लंच वगैरह नहीं करूँगा, तो ब्रेकफास्ट करके ही चला जाऊँगा। लेकिन क्या है ना, मेरा क्या है कि मेरी थिंकिंग मैं बता रही हूँ कि पतिदेव जी कहीं भी जाते हैं घर से बाहर, तो जो उनका पेट है ना वो फुल होना चाहिए, है ना। इससे क्या होता है कि मेरे ना मतलब एक वो होती है ना बेचैनी, कुछ खाया होगा नहीं खाया होगा, ये चीज़ होता है ना, तो वो थोड़ा मेरा डाउट क्लियर हो जाता है, तो मैं भी फ्री हो जाती हूँ, है ना, और उनका पेट भरा रहेगा तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा रहता है, मुझे अच्छा लगता है, तो वो कहीं भी जाए उनका पेट हमेशा भरा रहे, ये मेरी थिंकिंग है। ओके, तो इसकी वजह से, और कहते भी हैं कि जहाँ जाए भूखा वहाँ पड़े सूखा, बोलते हैं ऐसा लोग, मुझे नहीं पता, तो इसकी वजह से, और इसीलिए मैंने फटाफट से मैंने उनसे पूछा कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, तो उन्होंने बोला कि मसाले, अगर तुम लंच मुझे कराना चाहती हो तो मसाले वाली दाल बना दो फटाफट से और राइस बना दो, ठीक है, उसको और उसके साथ में सैलड वगैरह तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पर मसाले वाली दाल मैंने बना दी है, राइस मैंने चढ़ा दिया है, और विजल भी आ चुकी है इसमें, एक विजल का इंतज़ार कर रही हूँ। राइस हमेशा मैं एक ही विजल में बनाती हूँ और एक विजल में अच्छी बन जाती है, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमारा लंच अभी बन चुका है और थोड़ी देर से हम लंच करेंगे, ठीक है, और उसके बाद चलिए आपको अभी दिखाते हैं आंगन। सो ये मैं आपके साथ शेयर ना करूँ ऐसा हो नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पर ये है हमारा आंगन, और आज धूप बड़ी अच्छी हो रखी है ना, जो बहुत ही ज़्यादा बोर कर रही है ये धूप, तो धूप अच्छी खासी है, बट इसके साथ में क्या है कि हवाएं भी बहुत अच्छी चल रही है, मस्त मस्त हवाएं चल रही हैं, तो सुबह के टाइम तो चलो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, बट यही धूप जब दो बजे के बाद से 3-4 बजे की धूप, फिर तो बापरे पक जाते हैं हम लोग धूप में। तो यहाँ पर केशव भी है सुबह सुबह बाहर ही है, तो चलिए अभी आपको चलते हैं अंदर ले चलते हैं और फटाफट से लंच लगाते हैं, क्योंकि जाना है उनको भी कहीं बाहर। ओके, सो गाइस यहाँ पर ये देखिए लंच हमारा रेडी हो चुका है, उनकी जो प्लेट है मैंने लगा दी है यहाँ पे, 1 बाउल मैंने सैलड लगाया है, 1 बाउल मैंने राइस लगाया है, 1 बाउल मैंने दाल लगाई है, और अभी दाल में मैंने देसी घी नहीं डाला है, अभी डाल दूँगी दाल में देसी घी। तो कहते हैं ना 1 बाउल राइस वेरी नाइस, तो हमेशा मतलब एक होता है ना मेजरमेंट से ही, तो हमेशा राइस 1 बाउल ही लेना चाहिए, बाकी इसके साथ में बहुत कुछ हो जाता है। 1 बाउल से अगर आप ज़्यादा खाते हो तो इसका मतलब आपको अपना डाइट में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सो इसके साथ में है फ्रूट, सीजनी फ्रूट है मैंगो,
तो अभी ये प्लेट हम लेके जा देसी घी डालने के बाद फिर हम पतिदेव जी के पास ये प्लेट ले जाएंगे। सो ये है हमारा आज का सिंपल सा लंच और यही है आज का मेरा व्लॉग। एक्चुअली मैं फटाफट काम कर रही थी, इसके बाद मैं आप लोग के सामने आ नहीं पाई, है ना। तो बस आज के व्लॉग में बस इतना ही है और यहीं पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। गाइस प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करिए अपना, जैसे अभी आप लोग कर रहे हैं, अपना सपोर्ट बना के रखिए। और प्लीज़ ब्लॉग पसंद आ गया है तो लाइक को छाप दीजिए, हंसते हंसते छाप दीजिए गाइस, मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देसी घी भी डल गया है, तो प्लीज़ लाइक छाप दीजिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे पता चले आप लोगों ने व्लॉग को देख के कितना एंजॉय किया, है ना। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक छाप दीजिएगा और अगर कर सकते हैं कुछ तो शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। तो ये तीन चार काम हैं एक ही जगह पर बैठे बैठे हो जाएंगे, तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा और बताइएगा ज़रूर आपको लंच कैसा लगा, है ना। क्योंकि आपके कमेंट का हमेशा मुझे वेट रहता है, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमेशा वेट रहता है। सो गाइस मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज़, और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।